राशि, क्या बात है? तुम और रसोड़े में? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो काकी जी, मम्मी जी ने कहा था कि खिचड़ी अभी भी बनानी बाकी है, तो मैंने सोचा कि आके मदद कर दूं। ओ अच्छा, राशि भाभी बस थोड़ी देर में बन जाएगी, तब आप ले जाएगा। मणि आया, लो इसे खिचड़ी में डाल देना। जी नानी। एक मिनट राशि, अब जबकि तुम रसोड़े में आ ही गई हो तो सबके लिए चाय बना दो। क्या है ना कि सब नहा धोकर आएंगे तो अच्छी चाय पीकर उनकी थकान मिट जाएगी और फिर भूख भी जोरों से लगेगी। जी। और हाँ, चाय चाय की तरह लगनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है कि चाय की पत्ती सही मात्रा में डालना, समझी गई? जी। अब ये जाए तो मेरा काम बने। मणि, एक काम करो, जरा चाय के लिए पतीली तो चढ़ाओ गैस पे। जी भाभी। राशि, वो मैं कपड़े रखने आई थी। तो रख दिए? जाओ यहां से, मुझे चेंज करना है। वो मुझे कुछ कहना था। जल्दी कहो। आज होली के दिन मैंने जो भी कहा या किया तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे कोई बात याद नहीं है। अब जाओ यहां से। ये क्या, इसका तो नाड़ी निकला हुआ है, इसको डालते कैसे अब? छोड़ो। मॉम, मॉम, मैंने तुम्हें नहीं मॉम को बुलाया। माँ जी रसोड़ी में है, आप मुझे कहिए। एक तो एक कलर नहीं उतरा, ऊपर से पजामे का नाड़ा, इसलिए मॉम को बुला रहा था। अहम, दिख रहा जीवन भर माँ की गोद में बैठा रहेगा क्या? और तू तने कौछू, ये तेरी पत्नी है ना तेरे नजर के सामने, फिर क्या मॉम मॉम लगाया है? बोल ना उसे तुझे क्या चाहिए। अच्छा मैं जाती हूँ, तू अपने धनी की सहायता कर। मैं कर देती हूँ। अभी हो गया ना, तो खड़ी क्यों? जाओ यहां से। राशि, ये क्या चाय मणि बना रही है? मैंने तुमसे कहा था ना चाय बनाने के लिए। वो काकी जी, चाय मैं ही बना रही हूँ, तो बस मैंने उसे बर्तन चढ़ाने के लिए कहा था। राशि,
अब मणि को तुमने चाय बनाने में उलझा दिया ना, तो खाना बनाने में देर हो जाएगी। अगर तुम्हें चाय नहीं बनानी थी तो तुम मुझसे कह देती, मैं खुद बना लेती। नहीं काकी जी, मैं ही चाय बना रही हूँ। नक्की जी? कैसी लगी? मैं आपके लिए एक और चीज लेकर आया था। क्या? देखिए, ये सब क्या है? वो शादी के बाद हमारी पहली होली है, तो आपके लिए छोटा सा तोहफा। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोदी खानदान की बेटी को तुम ऐसे सोने का पानी चढ़ा हुआ नकली तोहफा दोगे? नहीं नहीं किंजल जी, मैं आपको नकली तोहफा थोड़ी ना दूंगा। हाँ, झुमके थोड़े छोटे जरूर हैं, पर एकदम सोना खरा है। आप देखिए ना ध्यान से। झुमके छोटे जरूर है पर अच्छे हैं। इन्हें तुम अलमारी में रख दो, मैं नहाने जाती हूँ। किंजल जी, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार पहन के भी दिखा दीजिए। बाद में। अरे आंटी, आप तो नहाकर बहुत जल्दी निकल आई। मुझे लगा आपको और टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके बिस्तर पर आराम कर लेती हूँ। तुमने? ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया? आंटी जी, मुझे लगा कि मेरे कपड़े सूख गए, इसलिए। आपका तो बिस्तर ही खराब हो गया। अगर मैं नहाने पहले चली गई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम रियली वेरी सॉरी। मणि, ये लो, ये टमाटर मिर्च काट दिए हैं, खिचड़ी का छौंक इससे लगा लेना। राशि, ये चाय बन चुकी है, तुम जल्दी से सबको चाय दे दो। गोपी को बुला दो। ना मोटा भाभी, गोपी वहू को पहले अपना काम खत्म कर लेने दीजिए। अब मैं सबके लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ बेटा, नाश्ता तो भिजवा ही दो, बस खाना भी जल्दी तैयार हो जाए ना, तो मजा आ जाए। जिगर के पापा, कहीं आपने तो भांग का लड्डू नहीं खा लिया जो इतनी जोरों से भूख लगी है? हेतल, मुझे तुम पर शक हो रहा है, कहीं ये शरारत तुमने तो नहीं की? क्या आप भी? हेलो। हाँ मम्मी, बोलिए। शुभ। हाँ मम्मी, उस छोटी काकड़ी ने तो नाक में दम किया हुआ है। क्यों, अब क्या हुआ? वो सब छोड़, ये तो सब होता ही रहेगा, लेकिन पहले तू मुझे ये बता कि वो साबुन तो तूने अच्छी तरह संभाल के ले लिया ना? हाँ वो, एक मिनट। हाँ मणि, क्या कर रही हो तुम? जाओ जल्दी, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं नाश्ते का, जल्दी दो। जी राशि भाभी। मम्मी, अभी तक मौका ही नहीं मिला था। तू पागल थे गे चकेशु? एक तो तूने वो साबुन रसोड़े में रखा जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अब जल्दी वहां से उसे निकाल। हाँ मम्मी, निकाल ही तो रही हूँ, अब जाके किचन खाली मिलाए। एक मिनट, देखती हूँ।
मिला क्या? नहीं मम्मी, यहाँ तो नहीं है। मम्मी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। अरे अच्छी तरह ढूंढना। मम्मी, मम्मी वो साबुन गोपी गवार के हाथ में लग गया है। आपको पता है उसके सामने तो धुलने वाले कपड़े भी रखे हैं। अरे तो जा जल्दी उसे वहां से दौड़ के उसके पास से ले आ। हाँ हाँ, एक भी काम ढंग से नहीं करती। कभी कभी तो लगता है कि ये मेरी बेटी है या नहीं। लेकिन क्यों राशि बहन, जब मैं साबुन लेने गई थी तो मणिबेन ने मुझे यही साबुन दिया। और राशि बहन, घर के सारे बाथरूम में कोई ना कोई नहा रहा था। माझी ने मुझसे कहा था कि कपड़े जल्दी से जल्दी धो लो, इसलिए किस्मत से ये साबुन मुझे रसोड़े में मिल गया। तू ये ले, इससे कपड़े धो। तू काकी जी को तो जानती है ना, अगर पुराना साबुन खत्म होने से पहले नया साबुन इस्तेमाल किया तो वो नाराज हो जाएंगी, इसीलिए। राशि बहन, आपको मेरा कितना ख्याल है। आपको पता है ना, माजी कभी भी मुझे गलत बात पर गुस्सा नहीं करती है, और आज तो उनका गुस्सा पूरी तरीके से जायज था। मुझसे इतनी बड़ी गलती जो हो गई, लेकिन राशि बहन मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने भांग कैसे खा लिया। वो सब छोड़ ना गोपी, तू ये काम खत्म कर, मैं चलती हूँ, बहुत काम करना है। ठीक है, मैं ये धो देती हूँ तब तक। राशि, वो मणि पालक की खिचड़ी बना रही है, तुम जरा देख लेना। जी। राशि, चाय अच्छी बनी थी। हाँ बेटा, मजा आ गया। थैंक यू काकी जी, थैंक यू पापा जी। खुश रहो। मैं अभी आई। गॉड, मुझे फौरन ही सबके लिए खाना परोसना है। अब इस साबुन का क्या करूं? ये भगवान, इस घर में एक मिनट के लिए भी मुझे शांति से कोई अकेला नहीं छोड़ता। और ये मणि तो प्रेत आत्मा की तरह यहां से वहां भटकती रहती है, कभी भी कहीं भी मिल जाती है। एक काम करती हूँ, तब तक के लिए इसे यहीं कहीं अच्छे से छुपा के रखती हूँ। मणि, तुम जाओ, वो बाहर टेबल पे थालियां लगा। ठीक है। राशि, ये ट्रे पकड़ो।
और सुनो, खाना तैयार है ना, जल्दी से दे दो। हाँ गया। मने, खाना तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? राशि भाभी, अगर खिचड़ी का पानी सूख गया हो तो मैं इसे डाइनिंग टेबल पे ले जाऊं? भाभी, ये क्या है? ये इतना झाग कैसे आ गया? खड़ी क्या है? जरा वो चम्मच ले और खिचड़ी को हिला। चल। राशि बेटा, ये खिचड़ी में इतनी देर क्यों लग रही है? सब लोग भूखे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो मम्मी जी, देखिए ना मणि ने क्या कर दिया। ये क्या है? राशि, क्या हुआ? खिचड़ी बन गई है ना, देर क्यों लग? में झाग? राशि, दो मिनट पहले तो खिचड़ी बराबर थी। खिचड़ी में साबुन? ये क्या है राशि? काकी जी, मैंने मणि से कहा था जरा खिचड़ी अच्छी तरह से चलाना, वो मैं तो यहाँ बर्तन ही धो रही थी। मैं वहां से वापस आई तो इसमें से अचानक झाग आने लगा, मैं तो बहुत डर गई सच्ची। राशि, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम हमेशा दो काम एक साथ करती हो ना, यही ना, खिचड़ी बनाना और दूसरी तरफ साबुन से बर्तन धोना। देख लिया नतीजा? कोकिला, हमें फौरन कुछ ना कुछ बनाना होगा, सब लोग बाहर बहुत भूखे हैं। मोटा भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गोपी बाओ, रसोड़े में आना। राशि, यू घूर घूर कर देखने से साबुन खुद से उछल कर बाहर तो नहीं आएगा, इसे निकालने का हल ढूंढना होगा। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ गोपी बाओ, वो क्या है ना कि खिचड़ी में साबुन चला गया है, अब ये खिचड़ी खाने लायक तो रही नहीं, और घर के सारे लोग होली खेलने के बाद भूख से बेहाल हैं और खाने के इंतजार में बैठे हैं। अब तुम ये बताओ कि 10 मिनट में तुम खाने लायक कुछ बना सकती हो? जी माँ जी, मैं पुलाव बना सकती हूँ। 10 मिनट में? जी। कैसे? माँ जी, आप तो जानती है ना, कल शाम को हमने खाने में कढ़ी चावल बनाए थे और होली के दहन के बाद सबने मिठाइयाँ और कचौरी वगैरह खाया, सिर्फ नानी जी और बानी ठीक से खाना खाया और किसी ने तो खाने को छुआ भी नहीं, इसलिए बहुत सारे चावल बच गए। तो वो चावल उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया। एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। देखा राशि, मूर्ति की तरह बुत बन के खड़े रहने से समस्या का हल नहीं निकलता। हम सबको पता था कि कल रात के चावल बचे हुए हैं, फ्रिज में रखे हुए हैं, लेकिन याद किसे आया? तुम्हें नहीं, मेरी गोपी वहू को। और इसे कहते हैं सूझ बूझ। वो मम्मी जी। राशि, ये कुकर वहां रख दो ताकि गोपी सही से पुलाव बना सके। ये लो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।